हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉफर्ड। अब देखो, क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये क्लासिफिकेशन बेसिकली डिपेंड करता है इसकी फंक्शनालिटी और यूसेज के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं डाइक्स डाइक्स कॉफर डैम को। जनरली क्या होता है, वो सारे कॉफर डैम जिनको हम बना करके छोड़ दें, मतलब कि हमने कंस्ट्रक्ट करा और उनका रिमूवल नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ऐसे वाले कॉफर डैम को हम कहते हैं डिक्स। अब जनरली इसमें दो टाइप के रहते हैं, एक तो अर्थ फिल रहता है, एक रॉक फिल रहता है। अब अर्थ फिल में क्या होगा कि जब हमें पाइल फाउंडेशन देनी है या शीट पाइल फाउंडेशन देनी है, जहां पे जनरली शीट पाइल फाउंडेशन में इसका यूसेज करा जाता है। शीट पाइल फाउंडेशन के बारे में तो आपको पता ही होगा क्या होती है शीट पाइल फाउंडेशन। वो फाउंडेशन जो कि नॉन लोड बियरिंग है ना, वो सारी फाउंडेशन को हम कहते हैं शीट पाइल फाउंडेशन। तो अब जैसे कि हमें यहाँ पे शीट पाइल फाउंडेशन बनाना है, तो शीट पाइल फाउंडेशन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे अर्दन डैम का यूज कर रहे हैं। अर्दन डैम में क्या करेंगे, यहाँ पे एक अर्थ ही, जो भी आपकी सॉइल है, इसकी सॉइल की फिलिंग कर दी जाएगी। यहाँ पर हम लोग रखते हैं आपका जितना भी स्टोन्स है ना, इस स्टोन्स की फिलिंग कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि अर्थ, अगर हम देखें, अर्थ जनरली इम्परवियस लेयर को बनाती है जो कि वाटर को रिटेन नहीं कर सकती। तो ये वाटर को रिटेन कर सके, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग ये रॉक फिल कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे एक रॉक फिल कर रहे हैं, जस्ट एक लेयर बना रहे हैं रॉक की। इसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो भी वाटर होगा, तो ये आपका वाटर, ये आपका है शीट पाइल, है ना। इसके साथ साथ यहां पे जो हम फिल कर रहे हैं, ये है हमारा अर्थ फिल। अर्थ फिल दैट मींस यहां पर हमने सॉइल को फिल कर दिया है, जो भी आसपास की सॉइल है, इस सॉइल को हमने इकट्ठा करा है। इकट्ठा करने के बाद उसको एक कॉफर डैम का शेप दे दिया है। कॉफर डैम का शेप देने के बाद इसके आगे यहाँ पे एक हमने रॉक की लेयर बना दी है। यहाँ पर इसके आगे आपको एक इम्परवियस लेयर भी बनानी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर एक इम्परवियस लेयर भी बनेगी जो कि वाटर को क्या कर सकेगी, आपके वाटर को रिटेन कर सकेगी, मतलब कि इसकी जो भी आपकी सॉइल है, सॉइल के अंदर वाटर नहीं जाए, इसका इसको एंश्योर करेगी, ठीक है। तो ये इम्परवियस लेयर रहेगी। यहाँ पे एक ड्रेनेज सिस्टम रहेगा, ये वाले पार्ट में हम लोग डैम का ड्रेनेज सिस्टम दे देंगे, जहां से वाटर क्या हो सके, पास हो सके। तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा, ये वाटर ड्रेनेज के लिए आप लोग यूज कर लेंगे। तो जनरली इनको हम लोग कहाँ पे बना रहे हैं और कहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो शीट पाइल्स की बात करें तो शीट पाइल्स, जैसे कि नॉन लोड बियरिंग आपकी जो पाइल्स का कंस्ट्रक्शन करना है, तो एक तरीके से ये डमी स्ट्रक्चर होता है। डमी स्ट्रक्चर दैट मीन्स इसकी खुद के ऊपर कोई लोड नहीं आने वाला, बट ये वर्क करेगा एज अ सपोर्टिंग मेंबर। जो हमारा शीट पाइल फाउंडेशन है, इस शीट पाइल फाउंडेशन के लिए ये क्या रहेगा, आपका सपोर्टिंग मेंबर रहेगा, ये इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। जनरली इसको हम लोग रखते हैं शैलो फाउंडेशन के लिए, जिसकी डेप्थ, जैसे कि अगर हमें अप्रोक्स 3 मीटर के लिए रखना है, तो 3 मीटर के लिए हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। आसपास सॉइल का एक डैम बना देते हैं, उसके बीच में हम लोग शीट पाइल फाउंडेशन को दे देते हैं। अगर हम लोड की बात करें, तो ये कितना लोड को बेयर कर सकती है, आसपास का कितना लोड इस पे आ रहा होगा जिसको ये बेयर कर लेगी, तो ये 70 to 700 न्यूटन तक अपने आप अपने ऊपर आने वाले सेल्फ लोड या फिर आसपास के लोड्स को क्या कर लेती है, बेयर कर लेती है। जनरली इस टाइप इस ऐसा जो हम लोग सॉइल का यूज करते हैं, ये या ऐसे डैम का यूज करते हैं, तो ये ऐसी जगह करना है जहां पे आपका फ्लो बहुत कम है ना, जहां पे आपका फ्लो का प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो। जो भी आपका फ्लो का प्रेशर है, ये काफी कम होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो आप खुद सोचिए, अर्थ है, वो एक तरीके की सॉइल है जिसको आप ठोस करके आसपास बना रहे हो, तो क्या वो स्टे कर पाएगी ज्यादा टाइम तक, नहीं कर पाएगी, वो पानी के साथ बह जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो इसी में इसी की जगह अभी जो हम यहाँ पे अर्थ को भर रहे थे, है ना, यहाँ पे जो हम सॉइल को भर रहे थे, सॉइल को भर के जो एक स्ट्रक्चर बना रहे थे, अब इस सॉइल को ना भर के इसकी जगह हम लोग स्टोन को भर देंगे, है
है ना। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक और कॉफर डैम बनाया, इसकी फंक्शनैलिटी या इसका कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो दोनों का कंस्ट्रक्शन जस्ट सिमिलर है एक दूसरे से। बस यहाँ पे हम लोग फिलिंग किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रॉक की फिलिंग कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे रॉक फिल कर रहे हैं। अब देखो रॉक फिल में अगर हम रॉक को आप फिल कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ये कुछ इस तरीके से होगा। तो जब हम यहाँ पे रॉक को फिल करते हैं तो यहाँ पे वॉइड्स रह जाते हैं। अब ये जो वॉइड्स यहाँ पे रह गए हैं, इन वॉइड्स में क्या फिल हो जाएगा, चूंकि ये पानी के नीचे है, पानी के नीचे रहेंगे तो ये जो वॉइड्स रहेंगे ये कैसे रहेंगे, फुली सैचुरेटेड रहेंगे। फुली सैचुरेटेड दैट मीन्स ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड विद वॉटर, जितने भी वॉइड्स हैं ये सब वॉटर से भरे हुए हैं। तो इसको रोकने के लिए हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, एक इम्परवियस लेयर का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग इन इम्परवियस लेयर रखेंगे, इसके साथ साथ यहाँ नीचे भी हम लोग एक इम्परवियस सेक्शन रखेंगे। दोनों ही जगह इम्परवियस सेक्शन होगा। अब देखो इसमें बेनिफिट क्या है, अभी हमें समझ आ रहा है ठीक है अर्थ वाला जो हम बना रहे हैं ये तो काफी ज्यादा इकोनॉमिकल है, इसमें हमारा जो भी कॉस्टिंग आ रही होगी वो काफी कम हो जाएगी, है ना। बट यहाँ पे रॉक फिल करने का क्या सेंस है, या रॉक फिल करके हम क्यों बना रहे हैं। रॉक फिल करके जनरली इसलिए बनाया जाता है कि इसका ये 3 मीटर तक ही सर्व करेगा, बट अगर मैं इसको चाहूँ तो इसका जो डेप्थ है इसको इंक्रीज करके मैं 10 मीटर तक कर सकती हूँ। तो इसकी सर्विंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी, है ना। और ये जनरली वहां यूज होगा जहां पे हार्ड स्ट्रेटा हो, नीचे का स्ट्रेटा, ये जो नीचे के हमारा सॉइल स्ट्रेटा है इसको हमें कैसा बनाना हो, जब हार्ड बनाना हो या नीचे का स्ट्रेटा आपका स्टेबल हो उस टाइम पे हम इसका यूज करेंगे, जनरली इस तरीके का कॉफर डैम्स की, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे सीपेज की प्रॉब्लम होने लगती है, तो इसलिए ये जो आपका नीचे वाला बेस है इसको थोड़ा सा, ये जो इम्परवियस लेयर मैंने बताया कि इम्परवियस लेयर को मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड कर दूंगी। और आगे तक एक्सटेंड इसलिए कर रही हूं कि इसमें नीचे सीपेज की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर सीपेज होगा तो वाटर क्या करेगा, ऊपर की तरफ जो भी हमारा आपका जो भी फाउंडेशन है इसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ ढकेलने की कोशिश करेगा। तो इससे आपका रोटेशन या फिर इससे फेलियर का जनरेशन काफी ज्यादा देखने को मिलता है, अपलिफ्टिंग हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे इम्परवियस लेयर हम लोग क्या करते हैं, काफी लंबा या काफी ज्यादा लेंथ तक प्रोवाइड करते हैं। ये एज कंपेरेटिव टू अदर फाउंडेशन ये काफी ज्यादा इकोनॉमिकल रहता है और इसकी डेप्थ भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, बट सेम द रीजन, हम हर जगह इसको यूज नहीं कर सकते, वही यूज करना है जहां पे स्टेबल सॉइल आपको मिल सके या स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को आप इंक्रीज करना चाहते हो वहां पे हम इसका यूज कर देंगे। इम्परवियस दैट मीन्स कि जो भी आपका सॉइल है उससे वाटर का पास होना रोक सके, उसको हम इम्परवियस लेयर कहते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा कंक्रीट कॉफर डैम। देखो कंक्रीट कॉफर डैम जनरली वहां के लिए बहुत अच्छे हैं जहां पे हम लोग बना करके छोड़ दें, मतलब कि ये सारे रिमूवल का कोई इनका लॉजिक नहीं है कि हमने बनाया इसके बाद हम रिमूवल कर रहे हैं। तो कंक्रीट कॉफर डैम अगर आप बनाना चाहते हो तो उसमें रिमूवल को कोई भी सेंस नहीं बनता। तो जनरली कंक्रीट कॉफर डैम की बात करें तो ये एक तरीके के कास्ट इन सिटू रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं स्टील का शीट्स ले लेते हैं और कई बार इनको प्री कास्टेड भी लिया जाता है, बट जनरली कास्ट इन सिटू का यूज करा जाता है। तो हम लोग एक स्टील का शीट ले लेंगे और स्टील का शीट लेके इस तरीके से कवर कर देंगे और यहाँ पे पूर कर देंगे कॉन्क्रीट। तो पहले कंक्रीटिंग करेंगे किसके लिए, कॉफर डैम के लिए, उसके बाद कंक्रीटिंग करेंगे हमारे पाइल्स के लिए। तो दोनों के लिए ही हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, कंक्रीट कॉफर डैम है। अब देखो कंक्रीट कॉफर डैम है तो इसका रिमूवल नहीं हो सकता, तो जहां कहाँ पर इसका यूज करना है, जहां पे हमें परमानेंटली इसको देना है ना, जो परमानेंटली जगह जहां पे हमें प्रोवाइड करना है, जो कि स्ट्रक्चर के मतलब कि ये जो पाइल फाउंडेशन दे रहे हो इस पाइल फाउंडेशन के साथ ही ये एक कॉम्बो रहेगा आपका कॉफर डैम का, जो कि आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा उस टाइम पे। तो जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है वहां पे ही हम ये कंक्रीट कॉफर डैम देते हैं, क्योंकि इसमें हम आरसीसी का यूज भी कर सकते हैं, रेनफोर्स कंक्रीट का यूज करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आरसीसी के आपके बार्स रहेंगे मेन बार,
और आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है ना, 1 in 50 का यहाँ पे हम लोग जनरली स्लोप देते हैं, जो स्लोपिंग रहती है, साइड स्लोप रहता है, वो 1 in 50 दिया जाता है। नेक्स्टली अगर हम बात करें तो सस्पेंडेड कॉफर डैम्स। अब देखो सस्पेंडेड कॉफर डैम्स, अभी तो ये हमने परमानेंट वाले देख लिए कि इनको एक बार लगा दिया, अब भूल जाना है इनके बारे में, इसका रिमूवल नहीं होगा, ये परमानेंट एक जगह फिक्स हो जाएगा। एज अ कंपेरेटिव टू इकोनॉमिकल की बात करें तो इसमें कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा आएगी, बट इट इज एज कंपेरेटिव टू योर स्टील, एज कंपेरेटिव टू योर अदर मटेरियल, ये क्या रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। अब सस्पेंडेड कॉफर डैम्स का बात करें तो सस्पेंडेड का मतलब ऑब्वियसली नाम से ही समझ आ रहा है, वो जिसका यूज करके हम वापस इसको रीयूज कर सकते। तो वो सारे कॉफर डैम्स जिनका हम लोग खाली कंस्ट्रक्टेड साइट के लिए यूज करेंगे कि हमें ये जो शीट पाइल बनाना है, इस शीट पाइल या फिर हमें जो वेल फाउंडेशन बनाना है, इस वेल फाउंडेशन का इंस्टॉलेशन जब तक हो रहा है तब तक हम इसका वहां पे यूज करेंगे। जैसे ही वहां पे इंस्टॉलेशन आपके फाउंडेशन का खत्म होता है, उसको हम तुरंत रिमूव करके दूसरी जगह पे उसका फिर से हम क्या कर लेंगे, रीयूज कर लेंगे। तो इस तरीके के जो प्रोसीजर रहते हैं या इस तरीके के जो हम कॉफर डैम्स का यूज करते हैं, उनको हम कहते हैं सस्पेंडेड कॉफर डैम्स। ठीक है, जनरली अगर हम इनकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो आइडेंटिकली जो आजकल हम लोग यूज करते हैं, मतलब कि जो भी आप बड़े बड़े ब्रिज देखते हो जिनमें कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, भले वो स्टील हो, कॉन्क्रीट हो, हर जगह फाउंडेशन का रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर हम सस्पेंडेड का ही ज्यादातर यूज कर रहे हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा इकोनॉमिकल है। इकोनॉमी की बात करें तो इसमें मटेरियल यूसेज भी काफी कम है, और इसके साथ साथ जब हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जैसे फ्रेमवर्क देखा होगा जिसको हम शटरिंग भी कहते हैं, तो शटरिंग को शेंटिंग बोलते हैं, शेंटिंग नहीं कहते हैं, शटरिंग होती है, तो जो शटरिंग हम बोलते हैं ये उसी तरीके से रहता है कि हमने शटरिंग करा, वहां पे कॉन्क्रीटिंग करा और उसको हमने रिमूव कर दिया। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ स्टील स्ट्रक्चर रहता है, कई बार हम इसमें टिम्बर का यूज भी करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपको फाउंडेशन डलना कौन सा वाला है ना, जैसा वाला फाउंडेशन डलेगा वैसा वाला इसमें हम लोग इसका डिजाइन या डायग्राम बना लेंगे, है ना। तो इस तरीके से इसको बना दिया जाता है, यहाँ पे हॉलो रहता है, इसमें आप क्या करेंगे, जो भी आपके कॉन्क्रीटिंग है इसको पोर करके आपका शीट पाइल बना सकते हो। इसके साथ साथ जब आप वाटर, आपने देखा था वेल फाउंडेशन, उसका भी इंस्टॉलेशन यहाँ पे कर सकते हो। फिर इसको यहाँ से ओपन कर लिया जाता है, ये यहाँ पे स्क्रूज लगे रहते हैं, इन स्क्रूज को खोल लिया जाता है, नीचे से ये ओपन रहता है, जनरली मैक्सिमम टाइम हम इसको नीचे से ओपन रखते हैं, है ना। तो यहाँ से ये ओपन रहेगा, ऑब्वियसली बात है नीचे से भी अगर हम क्लोज कर देंगे तो कैसे कॉन्क्रीटिंग करोगे, पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। तो नीचे से ओपन रहते हैं ये सारे स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम रॉक फिल क्राइब कॉफर डैम का भी यूज करते हैं। अब देखो ये जो रॉक फिल वाला है ये इससे अलग है ना, यहाँ पे हमने बात करी थी कि ठीक है हम 10 मीटर तक ले जा सकते हैं, बट एफिशिएंटली इसको यूज करा जाता है 3 मीटर तक, क्योंकि इसके बाद जब हम इसकी डेप्थ को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर आपका बहुत सारे डिफेक्ट और बहुत सारे डीमेरिट्स देखने को मिलते हैं, ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा, इसका रेमेडी निकाला, क्योंकि जनरली जब भी आप रॉक फिल करते हैं तो यहाँ पे काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमने क्या करा, हमने इसका एक नेक्स्ट यूज निकाला, जिसमें हमने क्या करा, इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दिया। इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे आसपास पूरे में आपका रॉक फिल रहेगा, यहाँ पे भी रॉक फिल रहेगा, ये आपने इम्परवियस लेयर बनाया है, एक लेयर आपने इम्परवियस यहाँ पे दिया है, एक लेयर आपने इम्परवियस यहाँ पे दिया है, यहाँ पे पूरी आपकी रॉक्स रहेंगी, यहाँ पर भी पूरी आपकी रॉक्स रहेंगी, और ये जो आप यहाँ पे बना रहे हैं इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को आप कह रहे हैं क्राइप्स, जो क्या कर रहा है, पोर्स में देखो, पोर्स में जितना ज्यादा वाटर भरा रहेगा उतना ही ज्यादा प्रेशर, प्रेशराइजेशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेगा और उतना ही ज्यादा अनस्टेबल बनाएगा। अगर रॉक के बीच में वाटर भरा है तो वो क्या करने की कोशिश करेगा, उसको पुश करने की कोशिश करेगा, तो किसी भी कंडीशन में वो स्टेबल नहीं हो सकता। तो
इसलिए हमने यहाँ पे दो लेयर दे दी इम्परवियस की, जिसको हम कर्व्स कह रहे हैं। कई बार इसकी जगह आप टिम्बर का यूज कर लेते हो, स्टील का यूज कर लेते हो, ये अलग अलग आप इसमें स्लैब्स बना रहे हैं उसमें डिफरेंट मटेरियल का हम लोग यूसेज कर सकते हैं। अब देखो इसमें बेसिकली फंक्शनैलिटी कैसी है, ये खुद के सेल्फ वेट के कारण, मतलब रॉक के जो खुद का सेल्फ वेट रहेगा वो खुद का सेल्फ वेट इतना ज्यादा रहेगा कि वो आपके स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। मतलब कि इसका डेड लोड ही काम आएगा किसके लिए, आपके स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए। जितना ज्यादा इसका डेड लोड रहेगा उतना ज्यादा आपका स्ट्रक्चर की क्या रहेगी, स्टेबिलिटी एनहेंस करता रहेगा। अब देखो अगर हम यहाँ पे इस तरीके की, अगर आप जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं जहाँ पे अलग अलग हमने पॉकेट्स बना रखी हैं जिसमें हमने रॉक्स को फिल कर रखा है, कब इसमें क्राइप्स को दे रखा है, तो इस ये सारी चीजें करने के कारण अब जो इसकी डेप्थ हो जाती है वो 10 मीटर से लेकर के हम 20 मीटर तक के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब 10 to 20 meter, आप इतना डेप्थ तक आपकी पाइल को, मतलब काफी ज्यादा होता है ना, 3 meter, मतलब कि समझ लो कि आपका एक फ्लोर, जनरली जो हम हाइट रखते हैं वो 3 meter जो रखते हैं वो आपका पूरा एक फ्लोर के समथिंग है, और 10 to 20 meter दैट मीन्स आपका 3 more than 3 floors, और मोर देन 3 to 4, 5, 6 G+ काफी बड़ा बिल्डिंग बनाने वाले हो आप। तो अब इतना गहराई तक जब जाते हो तो जैसे जैसे हम वाटर के नीचे जाते हैं ना बेटा, आप पानी में जैसे जैसे नीचे घुसते जाओगे वैसे वैसे पानी का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता जाएगा। जब आपके रिवर्स में भी जाते हो तो रिवर्स में आपको ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, बट नीचे जब हम जाएंगे तो पानी की वेलोसिटी, पानी का प्रेशर दोनों ही बढ़ता जाएगा। और जब दोनों ही बढ़ता जाएगा और अगर यहाँ पे पोर्स रह गए ना किसी भी कंडीशन में, तो वो पोर्स ही क्या करेंगे, आपका फेलियर का कारण बन जाएंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कर्व्स देते हैं जो कि हेल्प करता है आपकी हाई वेलोसिटी ऑफ वाटर को स्टेबलाइज करने के लिए, बेयर करने के लिए, और आपका जितना ज्यादा डेड लोड रहेगा स्ट्रक्चर का, आपके डैम का, उतना ही ज्यादा वो हेल्प करेगा, एनहेंस करेगा उसकी स्टेबिलिटी को। अब इसका यूज की बात करें तो जितने भी ब्रिज हैं जहां पर आपकी स्कर डेप्थ बहुत ज्यादा है, स्कर डेप्थ मतलब कि जो डेप्थ होती है रिवर की, जहां तक कि उसका क्लियर बेड ना मिल जाए, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये कौन से वाले बेड के लिए, सेम इसके नीचे का बेड स्टेबल होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए। और जनरली इसको प्रोवाइड ही इसलिए कर रहे हैं कि ये आपकी स्टेबिलिटी, एक प्रॉपर स्टेबिलिटी को एनहेंस कर सके, इसके साथ साथ एक हार्ड स्ट्रेटा प्रोवाइड कर सके आपके ब्रिज को। तो जितने भी डेड लोड वाले ब्रिज है जहां पे हाई लोडिंग लग रही है ना, आपको पता है कि यहाँ पे लोडिंग काफी ज्यादा हाई है, या ये जो आपका लेंथ है आपकी रिवर की ये लेंथ काफी ज्यादा है, तो उस टाइम पे हम इस टाइप के ब्रिजेस का यूज करते हैं, है ना। तो लेंथ भी ज्यादा है, डेप्थ भी ज्यादा है, दोनों ही चीजें ज्यादा है, तो फिर हमें आपका यही वाला रॉक फिल डैम को बनाना है, सबसे ज्यादा बेस्ट इसी को माना जाता है। इकोनॉमी की बात करें तो ये काफी कॉस्टली रहता है, बट स्टिल एज कंपेरेटिव टू अदर अदर मटेरियल, अगर वहां के आसपास रॉक्स हैं तो ये आपको कम कॉस्टिंग में भी पड़ जाएगा। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।